कोरोना वायरस की वजह से हर तबका परेशान है और ये कोरोना वायरस न सिर्फ मरीजों की जान ले रहा है बल्कि इसका तनाव डॉक्टर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ पर भी साफ नजर आ रहा है। एक ताजा मामला रामपुर के जिला अस्पताल से सामने आया जहां किसी फाइल पर हस्ताक्षर को लेकर या ये कहें कि साइन को लेकर एक नर्स और डॉक्टर के बीच बवाल हो गया। बहस के दौरान गुस्साई नर्स ने डॉक्टर को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस दौरान वहां मौजूदा किसी शख्स ने नर्स और डॉक्टर के बीच हो रहे विवाद का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। देखें ये वीडियो। सोमवार रात करीब 9:30 बजे के आसपास की ये घटना है। दरअसल जिला अस्पताल के इमरजेंसी में कोरोना संक्रमित की मौत हो गई थी। इसी दौरान फाइल पर साइन को लेकर एक नर्स और रिटायर्ड CMS BM नागर में जोरदार बहस चल रही थी। हंगामा इतना बढ़ा कि नर्स ने कोरोना महामारी में अपनी सेवा दे रहे रिटायर्ड CMS को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद डॉक्टर ने नर्स को भी थप्पड़ मारा। वीडियो वायरल होने के बाद DM ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि रामपुर जिला अस्पताल मामले को दबाने में जुटा हुआ है। दोनों में सुलह की कोशिश भी की जा रही है। मंगलवार को दोनों को बुलाया गया है ताकि विवाद को सुलझाया जा सके और कोरोना मरीजों का इलाज हो सके। उधर इस मामले में नगर मजिस्ट्रेट रामजी मिश्र ने कहा है कि दोनों के अपने अपने आरोप हैं। मंगलवार को यानी कि आज दोनों को बुलाया गया है। दोनों के बीच जो भी समस्या है उसे सुलझाने की कोशिश की जाएगी। बताया जा रहा है कि अस्पताल में काफी भीड़ थी और जिसकी वजह से तनाव बढ़ गया। जो घटना घटी वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जांच भी पूरी तरीके से की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटना फिर ना हो, इस पर ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।